जनपद कानपुर देहात में आज उस समय दर्दनाक हादसा घटित हुआ जब विद्युत तार में उतरे करंट की चपेट में आने से एक दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने दंपत्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। साक्षी, परिजन और उनके ग्रामीणों से पूछताछ करने के साथ ही मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के रणधीरपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने से पति सहित पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मंगलपुर थाना क्षेत्र के रणधीरपुर गांव निवासी राघवेंद्र की शादी करीब 2 साल पहले वंदना के साथ हुई। आज दोनों की विद्युत करंट की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। दंपत्ति खाना खाने के बाद कमरे में लेट गए, वहीं घर के मुख्य दरवाजे में अचानक से करंट उतर गया, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। जैसे ही राघवेंद्र ने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिसे देख उसकी पत्नी वंदना उसे बचाने के लिए दौड़ी तो वो भी इस घटना की चपेट में आ गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आलन फानन में परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलवासपुर ले गए, जहां मौजूद डॉक्टरों ने दोनों को मृतक घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। क्या नाम है? क्रांति। जो करंट की चपेट में आने से खत्म हो गया, तो क्या नाम है? गोलू। अच्छा, क्या घटना हो गई? बेटा वो देखने आए थे, बाहर से भीतर आए थे, लट्टू लगा रहा था, रात में बिजली चली गई थी, फिर आ गई लगा रहा था। जब बहू ने एक आवाज दी कि मम्मी आ बचाओ, जब हम भागे कबाड़ा खोले, बेटा वो चले गए, बेटा माता रोड पे चली गई। अब तो नाम है आपका? विपन। जो यहाँ पे खत्म हो गए, उनका क्या नाम? गोलू। आप उनके कौन है? भैया। क्या मामला हुआ? जो लेट से दोनों चिपक के खत्म हो गए थे अंदर से। अच्छा, दोनों साथ में? हाँ, दोनों साथ में थे। उसके बचाने उसके बचाने बचाने के। हाँ,